लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। के इतिहास में सबसे बड़ा शुभ दिन है। आज दो पुराने राज्य जो बरसों से आपस में खून बहाते रहे, हमारी तलवार के जोर से एक हो गए। सीमा के कायर राजा अनूप सिंह के राज का अंत हो गया। सीमावासियों, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, हम तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना हम रामपुर वासियों को करते हैं। हम ये राजगद्दी चिरंजीव राजकुमार को देकर राजपाट का काम संभालने के लिए अपने रणमंत्री विक्रम सिंह को भी यहीं छोड़कर जाएंगे। रणमंत्री विक्रम सिंह हमारी दाहिनी भुजा है। हमें पूरा विश्वास है कि कुमार की छाया और रणमंत्री की निगरानी में सीमा खूब फले फूले। सम्राट की जय हो, कुमार की जय हो। बोलते क्यों नहीं, बोलो। महाराज, अगर आज्ञा हो तो इन बागियों के सर काट कर आपके चरणों पर चढ़ा। शांति रणमंत्री, शांति। आखिर ये हमारी प्रजा है, आज नहीं तो कल समझ जाएगी कि हमारी छत्र छाया में कितना सुख है, कितना आराम है। हमने ये राज अपनी तलवार के जोर पर जीता है और अब हम इसे प्यार की शक्ति से अपना बनाएंगे। सत्य वचन महाराज। जान पड़ता घोड़ा और सवार दोनों घायल। चलो
उसे। दौड़ कर चल लिया। बहुत अच्छा। बड़े गहरे घाव जान पड़ते। तुम लोग सब जाओ, परदेसी की देखभाल मैं करूंगा। चंद्रा को भी ले जाओ। जाओ। ये कौन सी जगह है? तुम कौन हो भाई? घबराइए नहीं, मैं आपका मित्र हूं महाराज। महाराज, तो तुमने मुझे पहचान लिया? इतना तो समझ गया हूं कि आप अवश्य किसी देश के राजा हैं। ये तुमने कैसे जाना? ये निशान, ये चेहरे का तेज, ये विशाल भवें, गले में मोतियों की माला, किसी मामूली मनुष्य की तो नहीं हो सकती। अच्छा ये बताओ मित्र, तुम कौन हो? मैं वनवासियों का सरदार हूं, मुझे वनराज कहते हैं महाराज। वनराज, इस सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो इस काबिल नहीं हूं, लेकिन किसी दिन इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। महाराज, सेवा की कोई कीमत नहीं होती। निर्धन की इस कुटिया को आप अपना घर समझिए। क्या मैं महाराज से यह पूछ सकता हूं कि आप किस देश के राजा हैं? वनराज, तुम मित्र बन चुके हो इसलिए कह देता हूं, मैं सीमा देश का अनूप सिंह हूं। महाराज अनूप सिंह, धन्य हो धन्य हो। नाम बड़ा किस काम का जो किसी के काम ना आए, सागर से नदिया भली जो सबकी प्यास बुझाए। आह, तो तुम्हें हमारे दोहे भी याद हैं। देखो वनराज, तुम्हारे सिवा ये कोई न जानने पाए कि मैं सीमा देश का अनूप सिंह हूं। ऐसा क्यों महाराज? वनवासियों को जब पता चलेगा कि महाराज अनूप सिंह आजकल हमारे अतिथि हैं, तो वो आपके चरण धो धो के पिएंगे। नहीं वनराज, मेरे देश पर यशवंत ने कब्जा जमा लिया है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। समझा महाराज, ये भेद मेरे सिवा और कोई नहीं जानेगा। वचन देते हो? दे चुका हूं महाराज। महाराज अनूप सिंह का सैनिक, शत्रु हमारा पीछा कर रहा है, आसरा दो, हमें आसरा दो। आइए। बैठिए, कुछ जलपान की। जलपान अपने पास रखो। कहो, कोई घायल सैनिक घोड़े पर सवार इधर से गुजरा है? मैं क्या जानूं, संध्या समय जंगली जानवरों के डर से द्वार बंद करके मैं तो सो जाती हूं। चलो दूसरी तरफ चलो, शत्रु कहीं हाथ से निकल ना जाए।
अरे अंधेरे में द्वार खोली यहाँ क्यों खड़ी हो? ये महाराज की निशानी राजकुमार अजीत है। राजकुमार अजीत? हाँ, इसे इसे जान से लगा कर रखना। और क्या कहना चाहते हो? हाँ, ये लो ये निशानियाँ। निशानियां अपने पास रखो, समय आने पर काम आएंगे। और सुनो, बोलो बोलो। ये भेद किसी पर मालूम ना होने पाए। राम बरस हो गए बनराज, मैं भेष बदल कर एक राज से दूसरे राज तक गया, किसी ने सहायता की भीख न दी। मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो राज से आसन और झोंपड़ी दोनों में कोई अंतर नहीं। परंतु अब मैं अपनी औलाद अपनी प्रजा के साथ जसवंत का न्याय नहीं देख सकता। हाँ महाराज, ऐसे में मुझे अपना बेटा अजीत और भी याद आता है, न जाने वो कहां होगा। मेरा भवानी मां का दिया हुआ आत्मविश्वास और उसे बाहुबल की आशीष मिल जाए तो सीमा की प्रजा इस पाप और उपद्रव से मुक्ति पा सकती है। आप ठीक कहते हैं महाराज, परंतु राजकुमार का कुछ सुनाई नहीं। भगवान वो जीवित हैं। आप कैसे कहते हैं महाराज? मैं नहीं, मेरा अंतःकरण मुझे कहता है। हमारे और भी साथी हैं, रणवीर, जयमल, कुंदन, जाने वो उस नगर में हैं या यहीं कहीं बनों की खाक छान रहे हैं। वो होते तो कुमार अजीत का पता अवश्य लगाते। राजकुमार का पता तो तारा और चंद्रा भी लगा लेंगे। तारा और चंद्रा? परंतु चंद्रा तो अभी बहुत छोटी है। अपनी औलाद कभी बड़ी मालूम नहीं होती महाराज, वो बहुत चालाक है, पत्ते पत्ते सुई सुई की खबर रखती है चंद्रा। 18 साल हो गए, हम कब तक इनकी पूजा करते रहेंगे? देर तक नहीं, मैं जल्द ही सीमा की प्रजा को बताने वाला हूँ कि उनका युवराज अजीत जिंदा है। यही तो उसकी निशानियाँ हैं। और भी हैं? और भी हैं? हाँ, जहाँ जाता है उसकी आवाज पर मोर नाचने लगते हैं, हाथी मस्तक नीचा करके नमस्कार करते हैं, वनदेवियों के मन अपने बस में नहीं रहते। अरे हाँ, एक और भी निशानी है जो माँ ने देखी है, तुमने नहीं देखी। अरे मैंने नहीं देखी? मेरा बेटा अजीत। थाम लो कलेजा, सब अपना अपना राही आया है, झूमता झामता। थाम लो कलेजा, सब अपना अपना राही आया है, झूमता झामता। लाया है उल्फत का रंगी सपना, राही आया है, झूमता झामता। थाम लो कलेजा, आजाद पंछी मस्ती में घूमूं, बदलियों का उड़ उड़ के चूमूं। आजाद पंछी मस्ती में घूमूं, बदलियों का उड़ उड़ के चूमूं। पायल की आवाज सुन सुन के झूमूं, पायल की आवाज सुन सुन
नीचे झूम थाम लो कलेजा, ओ थाम लो कलेजा सब अपना अपना, राही आया है झूमता झामता, लाया है उल्फत का रंगी सपना, राही आया है झूमता झामता, थाम लो कलेजा। बिजलियों के मैंने उछाले और आंधियों के अरमान निकाले, दिल बिजलियों के मैंने उछाले और आंधियों के अरमान निकाले, हिम्मत है जिसकी नजर को मिला ले, हिम्मत है जिसकी नजर को मिला ले, थाम लो कलेजा, थाम लो कलेजा सब अपना अपना, राही आया है झूमता झामता, लाया है उल्फत का रंगी सपना, राही आया है झूमता झामता, थाम लो कलेजा। मैं जानता हूँ कीमत दिलों की पहचानता हूँ, क्या है मोहब्बत मैं जानता हूँ कीमत दिलों की पहचानता हूँ, उल्फत है सब कुछ मैं ये मानता हूँ, उल्फत है सब कुछ मैं ये मानता हूँ, थाम लो कलेजा, थाम लो कलेजा सब अपना अपना, राही आया है झूमता जामता, लाया है उल्फत का रंगी सपना, राही आया है झूमता जामता, थाम लो कलेजा। मेरी बगिया में भी बाहर आ गई, बेटी रूपा जी। पिताजी। बेटी बात यह है, ज्वाला और तुम बड़ी हो गई हो, राजकुमार भी जवान हो गया है, और रणमंत्री विक्रम सिंह ने कुमार को नीति और राजपाट के सारे नियम भी सिखा दिए होंगे। मैं चाहता हूँ कि राजकुमार को सीमा का राजा बना दिया जाए। हाँ पिताजी, ये रस्म बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, देश भर से राजे महाराजे आए, हम सुंदर से सुंदर वस्त्र सजाएं, आप जल्दी सीमा चलिए। रंजना। हाँ राजकुमारी। तैयार? बिल्कुल। हम और तुम और ये खुशी, निखरी हुई है चांदनी। जियो जियो
मगर चांदनी है कहाँ, यहाँ तो सब चांद ही चांद है। बोलो तुम कहाँ का चांद हो? कश्मीर। कश्मीर, इसीलिए तो पर्वतराज हिमालय की बर्फ से धुला हुआ शरीर है तुम्हारा। बोलो तुम कहाँ का चांद हो? बांग्लादेश। बांग्लादेश नागन कहीं आए। ये मधुर आवाज किसकी थी? कुमार आए? आपने तो मुझे घायल ही कर डाला। घायल मेरे मालवा के चांद, संसार की हर चीज घायल करने के लिए बनी है, मदिरा इसे घायल करती है और प्रीत इसे घायल करती है। हाँ। और उन सबको घायल करता है भगवान। भगवान सबसे बड़ा है, मैं कहता हूँ वो सबसे कहो है ना? है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं चमको, मेरे मालवा के चंद्रमा सदा ही चमको। द्वारपाल जाओ, राहु और केतु को खबर कर दो कि हमारे मालवा के चांद को कभी ग्रहण न लगने पाए। अरे और मालवा का चांद चमके। नमस्ते। फूल कहाँ है? जनता रक्षक, ये मिस्र देश की वो जलधारा है जिसे देवताओं की आंखों से बचाकर मैं नील नदिया से चुरा कर लाया हूँ। नील नदिया से चुरा कर लाए? परंतु तुम्हारे कपड़े तो सूखे के सूखे। सर्वपालक, आपकी रंग सभा में केवल इस चंद्रमुखी की कमी थी, ये कोयल के समान कूकती है, जलधारा की तरह थरथराती है। हाँ, थरथराती है। अच्छा द्वारपाल जाओ, राहु और केतु से कह दो कि हमारे मालवा के चांद को ग्रहण लगने दो। जा। थरथरा नील की धारा थरथरा। नहीं आती, इतनी सी बात में बिगड़ गई? बड़ा वीर बनता है, जा किसी योद्धा के साथ लड़। तुम किसी योद्धा से कम नहीं। कैसे? ऐसे। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रा। तुम्हारा? मेरा नाम हाँ सूरज। सूरज? हाँ। सूरज तो चंद्रमा का पीछा नहीं करता। जमाना उल्टा आ गया है ना, आजकल सूरज को चंद्रमा का पीछा करना पड़ता है। चंद्रमा जो सूरज की रोशनी से चमक लेता है, उसकी किरणों के बाण। अरे कहाँ चली गई तुम? अरे मेरी तीर भी ले गई। सुंदरी वाह वाह, क्या रंग है, क्या महफिल है। पिताजी पहले चंद्रा को देखिए। हो तारा, आज चंद्रा में इतना तेज, इतना आकर्षण, इतना सौंदर्य, क्या बात है। देखिए ना।
पर्दे क्यों बंद कर रही हो माया? कैसी ठंडी मीठी हवा आ रही है, कितना सुंदर नजारा। राजकुमारी, ये जो जंगल है ना, चोरों और डाकुओं से पटा पड़ा है। डाकू, डाकू, डाकू। छोड़ दो पिताजी को, जालिमो, छोड़ दो पिताजी को। पिताजी, पिताजी। किसकी मौत आई है? मौत तो तुम्हारी आई है, जो इन मुसाफिरों को तंग कर रहे हो। हट जा। नवयुवक, तुमने हमें बचा लिया। नहीं जानते हम तुम्हारे कितने आभारी हैं। ऐसा ना कहिए, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने आप जैसे शरीफ मुसाफिरों को इन लुटेरों से बचा लिया। कहाँ जाना चाहते हैं आप? हमें सीमा राज्य जाना है। सीमा राज? इन लुटेरों से तो आप बच गए, अब उनसे भी बड़े मक्कारों और खूनियों के चुंगल में फंसने जा रहे हैं आप। क्या मतलब? वहाँ के राजा और राजकुमार तो बड़े अच्छे हैं, और रण मंत्री विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, जिसने सारे देश में कोहराम मचा रखा है, जिसके हाथों में ना किसी की माँ बहन की इज्जत बची है और ना दौलत। तुमने कहीं से गलत सुना है युवक, वहां राजकुमार भी तो हैं। जी, सुंदर नारियां उसकी बाहों में देकर रणमंत्री ने राजकुमार को नकारा बना दिया। चलिए, मैं भी सीमा ही चल रहा हूं। तुम? जी। तुम्हें सीमा में क्या काम है? उन लोगों ने मेरे जान से प्यारे गजराज एरावत को पकड़ लिया है। मैंने उसे छुड़ाने की सौगंध खा रखी है। सीमा के कर्मचारियों और राज अधिकारियों ने जो दृश्य आज देखा है, वो इससे पहले कभी नहीं देखा था, और अब और बहुत कुछ देखेंगे। तुम सब पापियों, एक बेजबान की जान लेते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह इरावत मेरा है, छोड़ दो। किसी पागलखाने में तो नहीं आया हो? नहीं, मैं यहां पागलखाने में आया हूं। मैंने बहुत पागल देखे हैं, मगर एक जगह इतने इकट्ठे नहीं देखे। लड़के, जानते हो हम कौन हैं और तुम क्या हो? जानता हूं, आप शहर के राजकुमार हैं और मैं जंगल का राजकुमार, और यह इरावत मेरा है। क्या सबूत है? सबूत? इरावत! इन पापियों को क्षमा कर दो, इनके लिए तो किसी की जान लेना एक खेल है। आओ चलो, आओ। किसकी ये हिम्मत? रणमंत्री, सैनिकों, कौन? महाराज? महाराज समाज क्या देते हैं? ये इस युवक को आदर पूर्वक स्वतंत्र किया जाए। अजीत, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, और हम आज ही से तुम्हें सीमा के राजमहल का उपसैनिक नियुक्त करते हैं। महाराज, महाराज, एक उजड़ गंवार को महल के नियम का क्या पता? कुमार, उसे एक नियम का पता है जो सर्वश्रेष्ठ है, वीरता। वीर ही राजमहल की रक्षा कर सकता है भैया। तुम चुप रहो। आज्ञा हो तो एक विनती करूं महाराज। कह सकते हो,
उप सैनिक की पदवी बहुत बड़ी है। हाँ महाराज, जंगली जानवरों को सिधा लेना और बात। क्षमा कीजिए महाराज, अगर इनको अपनी शास्त्र विद्या पर मान है तो सामने आए। मंत्री, जब तक सांस भी ठीक हो जाएगा। अजीत, देख लिए राजकुमार के हाथ? अभी तलवार हाथ में है। सीमा के महाराज तुम्हारे बहुत आभारी हैं उपसैनिक। देखो वनराज, एक एक कदम फूंक कर उठाना, ये काम बहुत टेढ़ा है। शत्रु को हमारे इरादों का पता न चलने पाए, और सबसे पहले सीमा पहुंचते ही उन चार सूरमाओं से मिलना जिनके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। उनकी पहचान के लिए ये दोहा पढ़ना, घृणा की कटार चाहे लाख लाख मार करे, प्रीत की हो ढाल तो नाकाम कोई वार करे। इसके बाद क्या करना होगा महाराज? वो लोग दोहा सुनते ही तुमसे पूछने आएंगे, वो कहाँ है? जवाब देना, नागमणि के नीचे। नागमणि? ये किस चीज का नाम है? नागमणि उस पर्वत का नाम है जिसके नीचे हमारा बसेरा है। ये गुप्त शब्द मेरे सब सूरमा जानते हैं, वो अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। क्यों बेटा जी, महाराज यशवंत वहीं थे? हाँ बाबा, और उन्होंने अपनी आंखों से राजकुमार की मात देखी। रण मंत्री ने क्रोध में आकर मुझे अपना बंदी बनाना चाहा, लेकिन महाराज यशवंत ने खुश होकर मुझे राजमहल में उपसैनिक की पदवी दी। उपसैनिक? हाँ माँ। राजमहल तुझे अपनी आजादी देकर राजसेवा का कलंक माथे पर लगाकर आया? माँ, राज दरबार के मान को कलंक कहती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे को इतनी ऊंची पदवी मिली। पदवी वो तो मैं ही जानती हूँ, मेरा बेटा किस पदवी का अधिकारी है। ओ बेटा चाहे माटी का ढेला हो, लेकिन माँ तो उसे हीरा ही समझती है। बाबा बेटा, आज से मैं राज दरबार को उपसाने की, कौन जाने कल तुम्हारी आशीषों की वजह से क्या बन जाऊं। अरे पगली, अजीत ठीक ही तो कहता है, कौन जाने इसके भाग्य में राजयोग लिखा। वाले ओवल भेले रखना दिल को थाम।
मत वाले ओ अलबेले रखना दिल को थाम, मेरा ज्वाला नाम दिया जलाना काम, ओ मत वाले ओ अलबेले रखना दिल को थाम। कटार चाहे लाख लाख मार करे, घृणा की कटार चाहे लाख लाख मार करे, प्रीत की हो ढाल तो नाकाम कोई वार करे, प्रीत की हो ढाल ढाल तो नाकाम कोई वार करे। शाबाश भैया। भैया कौन हो भाई? भैया कहाँ से सीखा ये दो? अपने गुरु से। कौन कहाँ है वो? बता दो ना पिताजी। चुप रहे। ये दोहा सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। मैं बताती हूँ, नागमणि के नीचे। नागमणि के नीचे? सच बोलने में क्या बुरा है, वो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं चाचा। उनका एक और दोहा सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ ना बेटा। बड़ा नाम किस काम का जो किसी के काम ना आए, सागर से नदिया भली जो सबकी प्यास बुझाए। अपने महाराज अनूप सिंह जीवित हैं भैया, जीवित हैं, जीवित। जब से महाराज जसवंत सिंह और राजकुमारी रूपा रामपुर गए हैं, नागरण मंत्री ने फिर पिटारे से फन निकालना शुरू कर दिया है। फन निकालेगा तो फिर पिटारे में छुपा लेगा। वो कैसे? लो बोलो। आप इतनी सी बात नहीं समझती, जब तक उसकी सपेरन ज्वाला है, रणमंत्री उपसैनिक अजीत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबे अबे इतना सा घाव और इतनी बड़ी चीख, जो तन लागे सो तन जाने। अबे मेरे को देख, इतना बड़ा घाव है लेकिन सुरमा की तरह बैठा हुआ हूँ। वाह वाह संतान हो तो ऐसी हो। आओ सुरमा आओ। बधाई हो। बधाई हो। बधाई? बधाई किस बात की? अरे भाई तुमने तो हमारे राजकुमार के छक्के छुड़ा दिए, पहली बधाई इस बात की। और दूसरी बधाई इस बात की कि राजकुमारी की तुमसे नजर लड़ गई। पड़ गई पड़ गई पड़ गई। हाँ, अरे पड़ गई और लड़ गई एक ही बात है। छोड़ो इन बातों को यार, ये बताओ कि मुझे काम क्या करना होगा। देखो प्यारे, भोर भय सबसे पहले तुम्हें राजकुमार को जगाना होगा। राजकुमार को जगाना होगा? हाँ। तो क्या अपने आप उनकी आंख नहीं खुलती? अरे नहीं, तू समझा नहीं, ये राजा लोग हर रात मदिरा पीकर सो जाते हैं, जब तक इनके कान में घंटी न बजाओ आंख कहाँ से खुलेगी। ओ समझा, देर में समझा। और क्या करना होगा?
भाई तुम आदमी बहुत अच्छे हो, लेकिन हो अनाड़ी, इतना नहीं समझते कि जिसे जगाना है उसे सुलाना भी पड़ेगा, नहीं तो वो जागेगा कहाँ से। भाई प्यारे, ये जगाने की बात तो समझे, लेकिन किसी को सुलाना बहुत कठिन है। भाई तुम चिंता मत करो, जब ये मदिरा चढ़ जाती है तो आदमी खुद ब खुद सो जाता है। चलो अच्छा हुआ, एक बात है तो आराम मिला। और भी छोटे मोटे काम हैं, और हैं भी बड़े आसान, जैसे कि राजकुमारी की देखभाल करना। राजकुमारी? राजकुमारी कोई बच्ची तो है नहीं? वाह प्यारे, अरे बच्ची होती तो फिर देखभाल की क्या जरूरत थी, राजकुमारी भगवान की दया से जवान हो चुकी है। और तुम्हारा ये काम है कि कोई पराया मनुष्य राज दरबार की आज्ञा के बगैर महल के निकट भी ना आने पाए, और अगर आ भी जाए तो राजकुमारी की तरफ आग भी उठाकर न देखे। मगर प्यारे तुम देख सकते हो, नहीं देखोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये राजकुमारी है या दासी। प्यारे ये सब झंझट के काम। वीरा जी, आपको राजकुमारी ने याद किया है। रजनी, हाय हाय मेरी दुख बंजनी। दुख बंजनी, देखो रजनी, आज फैसला कर दे हम दोनों में सूरमा कौन है। ये देख गोविंद, तू प्रीत का पूरा कोड़ी निकला, जो अपने लंगड़े लूले हाथों से प्रेम की भीख मांग रहा है। अरे सूरमा तो हम निकले, जो तलवारों की छांव में भी सूखे बदन निकल आए। देख रजित, खड़े क्यों? इसलिए कि बैठ नहीं सकता। किसने रोका है? राजनीति ने। राजकुमारी के सामने एक साधारण दरबान कैसे बैठ सकता है? मैं बताऊं कैसे? ऐसे। हैरानी से क्या देख रहे हो? अरे राजकुमारी को देखते ही जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। तुम यहाँ पहरेदार नहीं हो, महान सैनिक हो। पिताजी ने तुम्हारी बहादुरी से खुश होकर तुम्हें ये पदवी दी। ठीक है। महाराज बेचारे क्या ज्योतिषी हैं, उन्हें क्या मालूम कि यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगी। ये तो पता होना ही चाहिए ना कि राजकुमारी की उम्र ही गड़बड़ की है। अजीत जी, महल में तुम्हारा जी तो लग गया है। जी का तो पता नहीं, हाँ नौकरी जरूर लग गई। नौकरी लग गई कि सरदर्दी बाजी? कभी कभी मिलने चले आया करो, मेरे महल में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। आया करोगे ना? आप बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा। मजबूरी से नहीं, अपनी खुशी से। अच्छा, तो क्या आप, मैं अपनी खुशी से जा भी सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सीमा नरेश महाराज राजकुमार की आज्ञा से सीमा राज की प्रजा को हर वर्ष अपनी कमाई का चौथा भाग महाराज के जन्मदिन पर राज दरबार को देना होगा। ये क्या रणमंत्री, प्रजा से इतना अन्याय, आखिर हमें इतने धन की क्या जरूरत है? धन नहीं होगा महाराज तो इतनी बड़ी सेना का खर्चा कहाँ से चलेगा? हाँ। राज दरबार की ये शोभा कैसे बनी रही? हाँ, किंतु प्रजा हमारी इस आज्ञा का पालन करेगी? प्रजा तो अपने नरेश पर जान देती है, धन तो धन, वो अपने नरेश के लिए अपने शरीर की आहुति भी दे सकती है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम उनके शरीर बेच खाएं। जो इच्छा महाराज। मालवे के चांद मदिरा दो। हाथ मत लगाओ। सच है?
नील की धारा थरथराओ, रुको मत, थरथराओ थरथराओ। क्यों? रणमंत्री के माथे पर बल देखकर मेरी पायल भी उदास हो गई। रणमंत्री, तुम क्या सचमुच हमसे रूट गए हो? एक दास को रूठने का क्या अधिकार है महाराज? वो तो ठीक है। महाराज, रणमंत्री ने तो देश की भलाई के लिए नियम बनाया है। देश की भलाई, मगर वो कैसे? कौन जाने उन जाति के लोग सीमा राज पर कब चढ़ाई कर दे, और तो और उस लुटेरे की लूटमार को कैसे रोका जाएगा। और फिर जनता की रक्षा के लिए धन भी तो जनता ही देगी। अरे शाबाश रणमंत्री, तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? लाओ 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 लाओ, हम अभी हस्ताक्षर किए देते हैं। नील की धारा थरथराओ। राजकुमारी ज्वाला उपसैनिक अजीत से प्रेम करती है। झूठ नहीं, सच। ज्वाला, ये फैसला करना मुश्किल है कि ये फूल ज्यादा सुंदर हैं या तुम। फूल? ये फूल बहुत सुंदर थे, लेकिन मेरी नजरों ने तुम्हें इनसे भी ज्यादा सुंदर बना दिया। बातें बनाना कोई तुमसे। सैनिक अजीत और राजकुमारी। जमाना बदल गया। ये बात है। सबके आंखों के सामने राजकुमारी और उपसैनिक साथ साथ घूमते हैं। अच्छा। आओ आओ। पर्दों में छुपने वाले सामने तो आ जरा सामने तो आ। किसने हमारा नाम ले लिया? पर्दों में छुपने वाले सामने तो आ जरा सामने तो आ। किस तरह कोई बार बार रोके, बोल रे सैया कौन है जो मेरा प्यार रोके। आऊं तो आऊं किस तरह कोई बार बार रोके, बोल रे सैया कौन है जो मेरा प्यार रोके। महल ये तेरा, हाल ये मेरा, रुक रहा है ना जा। किसने हमारा नाम ले लिया? पर्दों में छुपने वाले सामने तो आ जरा सामने तो आ। तो हूँ पंछी बावरा,
बाग की है रानी, दोनों है राही प्यार के और एक है कहानी। मैं तो हूँ पंछी बावरा, तू बाग की है रानी, दोनों है राही प्यार के और एक है कहानी। किसने हमारा नाम ले लिया, पर्दों में छुपने वाले सामने तो आ, जरा सामने तो आ। डोरी प्रीत की आ दूर कहीं जाए, फिर कोई बुलाए भी तो लौट के लाए। बांध के डोरी प्रीत की आ दूर कहीं जाए, फिर कोई बुलाए भी तो लौट के लाए। कोई न देखे कोई न जाने मुझ में यूं समा जा, किसने हमारा नाम ले लिया, पर्दों में छुपने वाले सामने तो आ, जरा सामने तो आ। हमें पता चला है कि दूसरी गाय रखी है, जिसका कल तू दरबार में नहीं भरती, दरबार के उससे गाय कुर्की जा रही है। अरे कैसा हुकुम, मेरी कोई दूसरी गाय नहीं है, एक ही काम दिनू है जिसका दूध बेचती हूँ, अपना अपने बच्चे का पेट पालती हूँ। चुप अरे हट। हमें तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का नहीं, सरकार की आज्ञा का पालन करना है। घर में जौ का दाना नहीं और बच्चे गले में जेवर डाल रखे हैं। पूरे समय के लिए रखा था जालिम, चार तोले चांदी लेकर रणमंत्री ठनवाना हो जाएगा। तू कर दिया नहीं और सोना दबा के रखता है। तुम्हारो जालिमों, ये दो जेवर छल्ले बेटी के ब्याह के लिए रखे। बंद करो ये। अरे कोई बचाओ, इस न्याय का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। चुप, क्या करते तुम? राज दरबार के कर्मचारी होकर? हाँ, जाओ और कह दो रणमंत्री से अब लोगों से अत्याचार नहीं सहा जाता। कुमार के क्रोध को जानते हो सेना जी? जानता हूँ, और कुमार के बुझाओं में कितना बल है ये भी जानता हूँ। सोनी पर चढ़ा देंगे कुमार। आज चढ़ा दे, कौन परवाह करता है, लेकिन जनता की हाहाकार बड़े महाराज तक पहुँचा के छोड़ूंगा। ये लो बड़े बाबा, भगवान आपका भला करे। चला चला। महाराज महाराज अधिराज, बड़ी खुशी का संदेश लाया, हमारे आदमियों ने खजाना लूट लिया। किसका खजाना? जनता का धन लूट लूट कर सैनिक विक्रम के गुप्त महल की तरफ जा रहे थे, हमारे आदमियों से मुठभेड़ हो गई और आखिर में जीत हमारे। क्यों नहीं, जीत हमेशा सत्य की होती है। रणवीर जानते हो यह धन हमारे कितने काम आएगा? सेवक समझा नहीं महाराज। ये धन मेरी प्रजा मेरी संतान का है, इस धन का एक जर्रा भर अंश भी छूना हमारे लिए गौ हत्या के बराबर है। कोई सूरत निकालो कि यह धन सीमा की प्रजा में बट जाए। रणमंत्री, रणमंत्री गजब हो गया। क्या हुआ? हीरे मोतियों का खजाना आपके गुप्त महल तक पहुंचने से पहले ही लूट गया। खजाना लूट गया? खजाना लूटता रहा और तुम लोग चूड़ियां पहनकर देखते रहे, कौन था वो लुटेरा? वो इधर लाओ, लाओ इधर। देखिए ये क्या है? नोचे प्रजा की बोटी बोटी
कहलाए सरदार, ऐसे मानस से चील भली जो खाती है मुर्दार। नीला पहाड़ प्रधानमंत्री, चील लुटेरों ने हमारा खजाना लूटा। हमले के वक्त वो भी यही दुहा गा रहे थे। महाराज, कुछ दिनों से यही दुहा जनता के जबान पर भी है। जो जबान विक्रम के विरुद्ध लगी वो सदा के लिए शांत कर दी जाएगी। उस लुटेरे ने अपना नाम नीला पहाड़ तो रख लिया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसकी टक्कर पर्वतराज हिमालय से है। अरे कितनी बार बुला चुकी हूँ, चल खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है? तूने कल से कुछ नहीं खाया। मैं तो केवल कल से भूखा हूँ, लेकिन सीमा राज में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कई दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं देखा। तो फिर ऐसे राजा की नौकरी क्यों करता है? मैंने तो ये भी सुना है कि सीमा के आसपास कोई लुटेरा रहता है जो धनवानों को लूटकर गरीबों में बांटता है। तुमने ठीक ही सुना है माँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा प्रजा का शत्रु और लुटेरा प्रजा का मित्र। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, ये जसवंत कर्म से नीच और नाम से राजा है। ऐसे पापी की कमाई से पेट भरना महापाप है। महासैनिक, जाओ और राज के एक एक घर से ये कर वसूल करो। हर अमीर घराने से 10-10 मोहरे और हर गरीब घराने से 2-2 बोरी अनाज। जो आज्ञा रणमंत्री। लेकिन रणमंत्री, अगर किसी के घर में अनाज न हो तो? जिस घर में अनाज न हो, धन न हो, उस घर से रूप की दौलत उठा कर लाओ। अगर हमारे खजाने को धन की जरूरत है तो हमारे रंग महल को सुंदरता भी चाहिए। जो आज्ञा। जाओ। आज हमारे दरबार की शोभा देखकर आकाश पर राजा इंद्र भी शर्मा रहा है। किंतु रणमंत्री, ये सब चांद बदली में क्यों छुपे हैं? हमें इनकी चमक देखने दो। प्रिय सुंदरी, रणमंत्री, हम न जानते थे कि हमारे राज्य की गलियों में इतनी सुंदरता भरी पड़ी है। पूनम रात्रि, सूरजमुखी, चंद्रमुखी, ज्वालामुखी। राजकुमारी, चुप क्यों हो गए? कहो मेरे लिए कौन सा नाम सोचा है? रणमंत्री। रणमंत्री से क्या पूछते हो? मुझसे आंख मिलाकर पूछो कि मुझे यहाँ कौन लाया है। क्षमा कीजिए राजकुमारी, क्षमा कीजिए। ज्वाला, क्षमा कर दो, अपने इस मूर्ख भाई को क्षमा कर दो। एक बहन तो अपने भाई को क्षमा कर देगी, लेकिन ये भी तो किसी की बहने हैं कि अपनी लूटी हुई लाश को लेकर अपने भाइयों के सामने किस मुंह से जाएंगी? कुमार, अगर तुम में शक्ति है तो मुझे भी उसी नजर से देखो जिस नजर से तुम इन्हें देख रही थी। तुम ये सोच रहे हो कि एक भाई अपनी बहन पर बुरी नजर कैसे डाल सकता है? रूप के अंधे पुजारी, मैं तो केवल तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन ये देवियां तो तुम्हारी बेटियां हैं। राजा प्रजा का पिता होता है। ऐसे शब्द अपने मुंह से ना निकालिए राजकुमारी, ये सब मेरे सैनिकों की भूल है। मैं अभी एक एक की चमड़ी उधेड़ देता हूँ। रणमंत्री, निर्दोष सैनिकों पर हाथ मत उठाओ। तुमने आज्ञा दी और इन्होंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। काश पिताजी यहाँ होते और अपनी आंखों से यह देखते। ज्वाला, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। याद रखो, एक क्षत्रिय का वचन है। कभी नहीं टूटेगा ज्वाला, कभी नहीं। जाओ,
बेबस पंछियों को अपने अपने बसेरे पर छोड़ा। और इन सबके द्वारों से थोड़ी थोड़ी माटी लेते आना, ताकि मैं उस माटी से स्नान करके अपने भाई के पापों का प्रायश्चित कर सकूं। रणवीर, सीमा से कोई और खबर आई? हाँ महाराज, गरीब जनता पर एक नया कर लगाया गया। गरीब जनता के पास कुछ बच रहा है जो वसूल करेंगे? महाराज, शिकारी को शिकार से मतलब है, भले शिकार पहले ही अधमुआ क्यों ना हो। सच कहते हो, पापी का भोजन मुर्दार ही होता है। महाराज, बात केवल कर तक ही नहीं पहुंची है, बल्कि इसके बहुत आगे बढ़ चुकी है। कर न देने पर प्रजा की बहु बेटियों को जबरदस्ती उठाकर रंग महल में ले जाया जाता है। आज सीमा में लाज जैसी कोई चीज रही है और न न्याय जैसी। खून की होली तो एक तरफ रही, अब तो प्रजा की इज्जत से खेला जा रहा है। महाराज, इधर प्रजा के घरों में हाहाकार मची हुई है और उधर विक्रम और कुमार के रंग महल संगीत से गूंज रहे हैं। चिंता न करो रणवीर, पापी आप अपना शत्रु होता है। पाप का पौधा बढ़ता जरूर है लेकिन फलता नहीं। विक्रम यह समझता है कि प्रजा एक बेबस गाय है, उसका जितना दूध निचोड़ा जा सके निचोड़ा जाए, मगर वो ये नहीं जानता कि दूध भी वही गाय देती है जिसे चारा डाला जाए। जो भूखी गाय को दोहता है, गाय उसे दूध नहीं देती, लात मार। Thank you.
से सीमा निवासियों को चेतावनी दी जाती है कि जो पुरुष मीरा पहाड़ के नाम के लुटेरे को जिंदा या मुर्दा पकड़कर दरबार में लाएगा उसे इज्जत मान के साथ 5,000 मोहरों की थैली दी जाएगी। 5,000 मोहरों से तो उस देवता के पांव की धूल भी नहीं मिल सकती। 5,000 1,2,3,4,5 5,000 मोहरे भगवान करे वो नीला पहाड़ मेरे हाथ से चढ़े और मेरी जन्म जन्म की प्रीत का अधूरा सपना पूरा हो जाए। प्रीत का सपना? सपना क्यों बे? ये नीले पहाड़ से प्रीत का क्या संबंध? बेटा जरा सोच। मैंने नीले पहाड़ को पकड़ा। राज दरबार से मुझे 5,000 मोहरे मिल गई। वो मोहरे मैंने रंजना के चरणों में रख दी। रंजना मेरी हो गई। प्रीत का सपना पूरा हो गया। मेरी की प्रीत न हुई धतूरा हुआ। अबे सूरमा है तो प्रीत को धन के तराजू में मत तोल। बोल और बोल जल कुकड़ा कहीं का। जब भी मैं प्रीत की बात छेड़ता हूँ तो व्याख्यान देना शुरू कर देता है। अबे मुर्गे तू जानता है कि हम राजमहल के पहरेदार हैं? है तो फिर हमको राजकुमारी की दासी से प्रेम करने का क्या अधिकार? अधिकार है नहीं अधिकार? अबे है या नहीं है? देख बोला बैठ जा। मैं बैठता हूँ लेकिन बोल क्या बोलता है। देख बोल। प्रेम करना हर प्राणी के जन्म जन्म का अधिकार है, चाहे वो कंगला हो चाहे राजा। राजा फिर सीधी सी बात है। क्या? जब राज दरबार का दास अजीत राजकुमारी से प्रेम कर सकता है तो क्या हम राजकुमारी की दासी से प्रेम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आजा आजा रंजनी, आजा आजा मेरी दुख रंजनी। रंजनी अबे रंजनी, रंजनी हाय मेरी दुख रंजनी। वीरा जीत कहाँ है? वीरा जीत बस आते ही होंगे, बैठ के बैठिए। मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं। तो फिर खड़ी रहो लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार से। कुछ पियोगी? प्यास नहीं है। तो भूख जरूर लगी होगी। न मुझे प्यास है न भूख। वीरजी जब आए तो उनसे कह देना राजकुमारी चांदनी रात में शिकार खेलने जा रही है। धन मंत्री की आज्ञा से वीरजी को रक्षक बन के राजकुमारी के साथ जाना होगा। अच्छा? समझे? Thank you.
मुझे तो नींद आ रही है, तुम भी आराम करो। संभल के रहना राजकुमारी, सुना है घायल शिकार रात को शिकारी के सपनों में आकर डराया करता है। इतनी कायर नहीं हूँ जो डर जाऊंगी। वो तो आज देख ही लिया, न हाथ में हथियार न तलवार, आ गई थी शिकार करने। रंजना तू बहुत चंचल होती जा रही, चल भाग यहाँ से। गया शिकार? कौन? ओ भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिकारी बहन का इंतजार कर रहा था। ओह हाँ, शिकार? सच भैया, बड़ा ही मजा आया शिकार में, काश तुम भी हमारे मेरे साथ होते। और देखते कि एक राज दुलारी एक बनवासी से प्रेम की पींगे बढ़ाकर अपने कुल और मर्यादा के नाम पर कलंक लगा रही थी। अगर प्रेम का नाम कलंक है तो मुझे कलंक नहीं बनना स्वीकार है। धन है वो बहन जिसके मुंह से भाई ऐसे शब्द सुन रहा है। और धन्य है वो भाई जो शीश महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकता है। ज्वाला, दो देशों की गद्दी का अधिकारी मदिरा और रूप का भिखारी बनकर एक कठपुतली की तरह अपने नीच मंत्री के इशारों पर नाच रहा है। ज्वाला, बहनें भाइयों को उपदेश नहीं दिया करती। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी लाज का रखवाला हूं, तुम्हें पाप के मार्ग पर चलने से रोकना मेरा कर्तव्य है। मेरा पाप केवल इतना है कि मैंने अपनी प्रजा के एक सूरमा से प्रेम किया है, लेकिन तुम्हारे पापों की गिनती तो आकाश के तारों की गिनती से भी मुश्किल है। उस दिन तुमने मुझे प्रजा से न्याय और अपने आप को बदलने का वचन दिया था, लेकिन सूरज के उजाले में दिया हुआ वचन संध्या होते ही तुमने मदिरा के प्याले में डुबो दिया। ज्वाला, जब तुम राजनीति नहीं समझती हो तो फिर मुझे दोष क्यों दे रही हो? राजनीति में ये कहां लिखा है कि राजा प्रजा की बहु बेटियों की लाज से खेले, प्रजा के घरों में धूल उड़ती फिरे और राजा मदिरा के सागर में तैरते रहे? अपना पाप छुपाने के लिए मुझे दोष क्यों लगा रही हो? कहाँ का पाप? अगर मेरा प्रेम तुम्हारी आंख में कांटा बनके खटकता है तो कह दो पिताजी से। ज्वाला, साथ को आज क्या? हीरे जवाहरात, सोना मोती, सुभान अल्लाह। नहीं जी ना, ये तुम्हारे लिए है। सारा हिंदुस्तान की दौलत देखी, वाकई ये मुल्क सोने की चिड़िया है। आका, ये तो सिर्फ एक छोटी सी रियासत की लूट है, न जाने अभी सजीव मुल्क में और क्या क्या होगा। सालार, तो रामान इस मुल्क में लूट मार करने नहीं आया। अगर संगम का राजा हमें सुलह से रास्ता दे देता तो ये कत्ल खून की नौबत नहीं आती। सिपाहियों, रख दो ये सब खजाने में। जीना आका, अगर इजाजत हो तो मैं भी अपने दूसरे जानिसारों के साथ जश्न में शिरकत करूं। बड़ी खुशी से, जंग के बाद ऐश व आराम हर सिपाही का हक है। शुक्रिया आका। जीना, तो हुन सरदार तोरमान की सेना बढ़ते बढ़ते सीना के नजदीक आ पहुंची। हाँ महाराज, और सुना है इस विदेशी शत्रु की शक्ति का सामना करना चांद सूरज को दर्पण दिखाना है। इतना बलवान है वो? बलवान ना होता महाराज तो हमारे इतने बड़े देश पर चढ़ाई करने क्यों आता? जरूर सीमा पर कोई आपत्ति आने वाली है। वर्षों से विक्रम के अत्याचार की मारी हुई प्रजा का रहा सहा लहू भी ये विदेशी शत्रु चूस जाएगा। रणवीर, किसी प्रकार तोरमान की शक्ति का पता चलाना चाहिए। महाराज की आज्ञा हो तो सेवक। नहीं रणवीर, ये बहुत जान जोखों का काम है, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। सालार, जानते हो हमारी अगली चाल क्या है? शायद सीमा देश। नहीं,
रामपुर। रामपुर? हाँ, सीमा देश की रियाया विक्रम के जुल्म सितम से तंग आकर पनाह मांग रही है। उस देश को जीतना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कौन है? आका, ये हमारे खेमों के बाहर रात के अंधेरे में चक्कर लगा रहा था। बिल्कुल अकेला? जी हाँ। तो जरूर कोई बहादुर होगा जो शेर की गार की तरफ निरर चला आया। कौन हो तुम, जासूस या चोर? मैं चोर नहीं हूं। चोर वो होते हैं जो अपना देश छोड़कर दूसरे देशों पर हमला करने चले आते हैं। हमला? तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? मुझसे क्यों पूछते हो? भारतवर्ष के उन खेतों से पूछो जिन्हें विदेशी पैरों ने रौंद डाला। उन जलते हुए घरों के शोलों से पूछो जो विदेशी हत्यारों की हत्या का जिंदा सबूत है। समझे, तुम्हारा इशारा हमारी तरफ है। आदमी बहादुर हो लेकिन अनजान भी हो। शायद तुम ये नहीं जानते कि हुन सरदार के माथे पर एक शिकन पड़ गई तो तुम्हारे जिस्म के कितने टुकड़े हो जाएंगे। शरीर के टुकड़े हो जाएंगे लेकिन आत्मा पर कौन हाथ डालेगा? आत्मा पर कौन हाथ डालेगा? आत्मा पर कौन हाथ डालेगा? नाम बड़ा किस काम का जो किसी के काम न आए। सागर से नदियां भली जो सबकी प्यास बुझाए। वाह, हैरानी से क्यों देख रहे हो? हुन सरदार, ये दोहा तुमने किससे सुना? भारत के लोगों से। सिपाहियों, इसकी जंजीरें खोल दो। बहादुर आदमी, हम जान गए कि तुम सीमा देश की रियाया के हरदिल अजीज राजा अनूप सिंह हो। अब कहो अनूप सिंह, तुम हमारी सरहद पर क्या लेने आए थे? मैं तो ये देखने आया था कि एक विदेशी मेरे देश की सरहद पर क्या लेने आया है। ठहरो। अनूप, तुम बहादुर हो और दानिशमंद भी। हम तुमसे सख्ती से पेश आना नहीं चाहते। हम तुम्हारी शायरी के कायल हैं। हमें भारत के लोग और उनकी तहजीब बेहद पसंद है। हुन सरदार, भारत के लोग और उनकी सभ्यता तुम्हें पसंद नहीं बल्कि भारत की वो धरती पसंद है जिसकी मिट्टी सोना उगलती है। हाँ, क्यों नहीं, ऐसी जमीन को कौन पसंद नहीं करेगा। लेकिन हुन सरदार, ये भी याद रखो कि इस धरती पर ललचाई हुई नजरों से पहले भी कई विदेशियों ने देखा था। उनमें से एक सिकंदर भी था जो अपनी मौत आप मर गया। हुन सरदार, ये राम, कृष्ण, अर्जुन, चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती है। इस धरती पर पांव जमाना कोई खेल नहीं। जब जब इस धरती पर संकट आता है तो स्वयं भगवान अपना रूप बदल कर इसकी सहायता को चले आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। अनूप, हम तुम्हारी दलेरी की दाद देते हैं मगर तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम सिकंदर आजम की तरह इस जमीन पर कब्जा जमाने नहीं आए। सरदार, इतनी बड़ी सेना लेकर कोई किसी देश की यात्रा को तो नहीं आता। अनूप, हम कोई हमलावर नहीं। हमें तो सिर्फ अपने लोगों को बसाने के लिए एक इलाका चाहिए और जहां तक बन सकेगा हम सुलह और अमन से ही अपने इरादों में कामयाब होंगे। लेकिन अगर कोई हमारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया तो हम जंग भी करेंगे। जंग? हाँ, जंग। लेकिन तुम जैसे सुलह पसंद आदमियों से नहीं बल्कि जसवंत जैसे जालिम हुक्मरान से जिसने तुम्हारे मुल्क पर कब्जा कर रखा है। अनूप सिंह, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम रामपुर पर चढ़ाई करके दो ही दिन में तुम्हारा राष्ट्र वापस दिलवा देंगे। हुन सरदार, एक विदेशी मित्र से शत्रु भाई अच्छा। जसवंत केवल मेरा शत्रु है लेकिन तुम तो सारे भारतवर्ष के शत्रु हो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना राज्य वापस लेने के लिए एक विदेशी से सहायता की भिक्षा मांगूं। इस वक्त तुम चाहे हमें गलत समझ लो लेकिन तारीख एक दिन यह बता देगी कि तोरामन भारत में हमलावर की हैसियत से नहीं आया था। कहो, रात यही आराम करोगे या हमारे सिपाही तुम्हें सलामती से सरहद तक पहुंचा दें? जो शेर के गार के पास अकेला आ सकता है वो अकेला वापस जा भी सकता है। धन्यवाद। हे भगवान, क्या मुसीबत है, हर जगह भूख, हर जगह पेच काट। अपने जंगल में मंगल ही मंगल है।
उप सैनिक अजीत का रामपुर में आना मुबारक हो। आज रात को आकाश छाया, रंगमंच में पधारना। Thank you.
अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व है तो बताओ वो लुटेरा नीला पहाड़ आज तक तुमसे पकड़ा क्यों नहीं गया? महाराज, नीले पहाड़ को पकड़ना कोई खेल नहीं। वो लुटेरा निहत्ता नहीं बल्कि उसके साथ एक बहुत बड़ा ग्रह है जो उसकी सहायता कर रहा है। भले आदमी की सहायता तो लोग करते हैं लेकिन एक लुटेरे की सहायता करते आज ही सुना है। महाराज, अगर किसी ने यत्न किया होता तो वो लुटेरा कब का पकड़ा गया होता? महाराज, अगर आपको हमारी नियत पर शंका है तो इस सैनिक से कहिए कि उस लुटेरे को पकड़ कर दिखाए। क्यों सैनिक? महाराज की आज्ञा हो तो मैं उस लुटेरे को 7 दिन के अंदर अंदर महाराज के सामने लाकर खड़ा कर दूं। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं भवानी माँ की सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरा जीवन दरबार के हाथ में होगा। अपने वचन का पालन न करने पर मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा। रणमंत्री, कुछ और कहना है तुम्हें या सैनिक को आज्ञा दी जाए? अवश्य महाराज। सैनिक, सोच लो, ये तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। महाराज, परीक्षा सूरमाओं की हुआ करती है, कायरों की नहीं। माता, आज तेरे द्वार पे दया की भीख मांगी है। मेरे अजीत की रक्षा करना मां। उसने जिस कठिन काम का बेड़ा उठाया है उसे सफल करना, सफल करना माता। माता, मैं जानता हूं मेरी बाहों में इतनी शक्ति नहीं लेकिन तेरा नाम लेकर मैं इस आग में कूदा हूं, मेरी सहायता करना। अजीत, ज्वाला, ज्वाला, तुम और इस भेस में? हाँ जी, ये माता का मंदिर है, जो यहाँ झुककर आता है उसकी प्रार्थना स्वीकार की। जानबूझकर इस आग में क्यों कूदे हो? आखिर तुम्हें सौगंध खाने की क्या जरूरत थी? ज्वाला, इतने बड़े देश की बेटी होकर तुम कायरता की बात कर रही हो? लेकिन सोचते समझते अपनी जान को खतरे में डाल देना कहां की बात थी? तुम नहीं जानती हो ज्वाला, इस काम को पूरा करते करते अगर मेरी जान चली गई तो मैं अमर हो जाऊंगा और अगर सफलता मिली तो महाराज यशवंत से तुम्हारा हाथ मांगने का अधिकारी बन जाऊंगा। लेकिन ये क्यों भूलते हो अजीत, जिस काम को विक्रम और उसकी सेना पूरा ना कर सकी उसे तुम अकेले और निहत्थे कैसे कर सकोगे? मेरा दिल कहता है विजय मेरी होगी ज्वाला। भगवान करे। वो लुटेरा बहादुर होगा, उसके अनगिनत साथी होंगे, मेरे साथ भवानी माँ का आशीर्वाद होगा। जो माता मुझ जैसे बनवासी को जंगल से उठाकर राज दरबार में ले आई, जिसने मुझे तुम्हारी प्रीत का अधिकारी बनाया, क्या वो भवानी माँ मुझे एक लुटेरे पर विजय ना पाने देगी? ज्वाला, आकाए नामदार, भारत की एक रियासत का पैगंबर शर्फ कदमबोसी चाहता है। पैगंबर, पेश किया जाए। जय हो, खून सरदार की जय हो। कौन हो तुम? सेवक सीमा राज के रण मंत्री महाराज विक्रम का संदेश लेकर आया। राजदूत हो? हाँ महाराज। तो फिर कांप क्यों रहे हो? सुन नहीं रखा कि तोरामल कोई दरिंदा हमलावर नहीं बल्कि सुलह पसंद सरदार है? खून सरदार, आपके चर्चे तो भारतवर्ष के कोने कोने में हो रहे हैं। अच्छा, तो हमारा चर्चा तुमने भी सुना है? हाँ महाराज। कहो क्या पैगाम लाए हो? श्रीमान विक्रम महाराज का नाम तो आपने भी सुना होगा, है तो वो सीमा देश के रण मंत्री लेकिन असल में वहां के राजा भी वही है। असल में? यानी वहां कोई नकली राजा भी है क्या? हाँ महाराज, केवल नाम के लिए, बच्चा है ना तजुर्बेकार। समझे समझे, रियासत का बोझ नहीं उठा सकता। इसके अलावा और भी कई अवगुण है राजकुमार में।
शराब पीता होगा। हाँ सरदार, और कभी कभी हुस्न से खेलकर दिल बहलाता होगा। जय हो सरदार की, आप तो बगैर कहे सब कुछ समझ गए। राजदूत, शराब हम भी पीते हैं, हमारा ये सालार भी, और हम कभी कभी अपना दिल भी बहला लेते हैं। इसके बावजूद हमने एक बड़े भारी कबीले का जिम्मा उठा रखा है। महाराज, कहाँ आप और कहाँ हमारे राजकुमार। काश सीमा की जनता को भी आप जैसा नरेश मिलता। क्या तुम्हारे रणमंत्री भी राजकुमार की तरह है? नहीं महाराज, वो तो बहुत बड़े सूरमा। फिर चाहते क्या है वो? केवल थोड़ी सी आपकी सहायता। अगर आपकी सेना हमारे रणमंत्री की मदद कर दे तो सीमा देश की प्रजा सुखी हो जाएगी। और तुम्हारे रणमंत्री राजकुमार की जगह ले ले। नहीं महाराज, हमारे रणमंत्री की इच्छा नहीं। अगर ऐसा होता तो वो कब के राज सिंहासन पर बैठे होते। समझे, खूब समझे। तुम्हारे रणमंत्री को सिर्फ रियाया का आराम मंजूर है। वाह वाह, राजदूत हमारी तरफ से विक्रम महाराज से कह देना कि हम उनका साथ देंगे। इंसाफ और सच्चाई के लिए हमारी फौज मर मिटने को तैयार है। धन्य हो, धन्य हो महाराज। कल भोर भय मैं विक्रम महाराज को यह संदेश पहुंचा दूंगा। आज्ञा विक्रम। सिपाहियों, सरदार खामोश। इस अजीमुशान मुल्क के जलील बेटे, तुमने हमारे बारे में सब कुछ सुन रखा था, मगर यह नहीं सुना था कि तोरमान सरदार सच और झूठ को अंधेरे में भी पहचान सकता है। तुमने अपनी चर्ब जबानी से उस शख्स का दिल जीतना चाहा जो अपना मुल्क हजारों मील पीछे छोड़ पहाड़ों और तूफानों का सर झुकाता हुआ यहां तक चला आया। तुम गद्दारी का पैगाम लेकर हमारे सामने आए थे। क्या तुमने यह सोचा था कि तोरमान अपनी ताकत का इस्तेमाल झूठ की तरफदारी के लिए करेगा? तुम्हारी सदा तो यह थी कि हम तुम्हारा सर कटवाकर अपने गिद्ध के सामने फेंक देते। लेकिन तुम उस मुल्क की एक रियासत के सालार हो जिसके हम आजकल मेहमान हैं। हम इस वक्त तुम्हें बख्श रहे हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि हम एक दिन सीमा देश जरूर आएंगे, लेकिन तुम्हारे दोस्त की हैसियत से नहीं। सिपाही जाओ, इस जलील कुत्ते को सरहद के पार छोड़ दो। सालार, देखा जो सरजमीन अनूप सिंह जैसे महबूब वतन को पैदा कर सकती है, विक्रम जैसे गद्दार की भी मां हो सकती है। तुफ है, तुफ है ऐसी औलाद पर। आज लुटेरे को पकड़ना ही चाहिए। हाँ। अबे उसे पकड़ने वाले को 5,000 मोहरे इनाम मिलेंगी ना। हाँ। मेरी कुंडली में लिखा है कि कल मुझे 5,000 मोहरे मिलने वाली। हाँ। तूने मेरी कुंडली पढ़ ली होगी। अबे तूने मेरी चुरा ली होगी। अच्छा जगड़ मत। हाँ। मोहरे मिलेगी तो आधी आधी बांट लेंगे। ये बात जैसे अपनी प्रेमिका बांटी है। 5,000 मोहरे। अब वो देख लुटेरा मार छलांग। मैंने पकड़ा। ओह महाराज, इसको मैंने पकड़ा। नहीं महाराज, इसको ये झूठ बोलता है। मैंने पकड़ा है महाराज, मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है। परंतु पकड़ा क्या है? कुत्ता बिल्ली शेर हां क्या महाराज? लुटेरा है। हां लुटेरा, लुटेरे को तुमने पकड़ा है? हां महाराज, मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है। अबे तूने कभी चूहे का बच्चा भी पकड़ा है? महाराज जब खीर पक गई ना तो भाई भी कटोरा लेके आ गया। महाराज पूरे गले का बोझ है। महाराज एक गले का नहीं, कम से कम 20 किलो का बोझ है। आपस में झगड़ो नहीं, हम इनाम तुम दोनों में आधा आधा बांट देंगे। पिंजर खोलो, पिंजर खोलो, खोलो। अभी खोलता हूँ महाराज। अब निकल बाहर, शेर के पिंजरे में घास खाता पड़ा है। रणमंत्री महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए, दोष इन मूर्खों का नहीं, किसी और का। दोष किसी और का है? कौन है वो? कौन है वो? इसका, इसने लुटेरे को पकड़ने का बेड़ा उठाया था। लुटेरे को तो ये पकड़ नहीं सका, हम पर ही हाथ डाल दिया महाराज। आए महाराज,
जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो क्या लुटेरे को पकड़ने की जिम्मेदारी तुमने नहीं ली थी? जी महाराज। तो फिर उसे कब पकड़ोगे? एक ही दिन तो रह गया है, शायद बहुत बड़ा सूरमा है, सोचता है रात ही रात में चमत्कार हो जाएगा। महाराज, रणमंत्री शायद ये समझते हैं कि चमत्कार दिखाना उन्हीं का हिस्सा है। हमारे देश की जनता को बहुत चमत्कार दिखा चुके हैं ना। अजय ठीक है था रणमंत्री। महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आठ पैर के अंदर अंदर उस लुटेरे को पकड़कर आपके चरणों में डाल दूं तो मेरी गर्दन काट दी जाए। दुनिया की किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। दुनिया की किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। इंसान के इरादों के आगे अंबर भी सर को झुकाएगा, अंबर भी सर को झुकाएगा। किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। हम अपनी लगन के दीवाने तूफान से भी टकरा जाएंगे, अब झुक न सकेंगे। ए दुनिया हम टूट भले ही जाएंगे। ओहो हो जीवन की डगर का हर पर्वत एक ठोकर में उड़ जाएगा। किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। समझो न हमें तुम पत्थर दिल सीने में हमारे प्यार भी है। नाज किसी किसी की याद भी है, एक सपनों का संसार भी है। भी हंसी है इस जग में कुछ और हंसी कहलाएगा। दुनिया की किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। बंधन को तोड़ के जब एक जश्न मनाएगी दुनिया, तारों के सिंहासन पर जिस दिन इंसान को बिठाएगी दुनिया। ओ हो उस दिन सबको रह रह के मेरा ये गीत बहुत याद आएगा। इंसान के इरादों के आगे अंबर भी सर को झुकाएगा, अंबर भी सर को झुकाएगा। दुनिया की किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। अजीत
मुझे क्यों रोका है चंद्रा? मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छा, क्या मुझे तुम्हें रोकने का भी अधिकार नहीं? बहुत बड़े आदमी बन गई हो क्या? बड़ा नाम तो भगवान का होता है। कहो, तुम्हें क्या काम है? तुम्हारी यार, और क्या काम है मेरा? बहुत अच्छा काम है, बस किए जाओ, लेकिन मेरा रास्ता मत रोको। अजीत, नीले पहाड़ को पकड़ने के लिए मारे मारे फिरते हो ना? तो क्या उस नीले पहाड़ को पकड़ना कोई मुश्किल काम है? दूर के डोल सुहाने होते हैं, किसी दिन नीले पहाड़ से सामना हो गया तो डर के मारे दिल बैठ जाएगा। चंद्रा, शेरों के दिल मोम के नहीं पत्थर के हुआ करते हैं। अजीत, जानबूझ के मृत्यु के मुंह में हाथ मत डालो। नीला पहाड़ सिर्फ भुजाओं के शक्ति से ही सुरमा नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा भी बलवान है। अगर वो बलवान होता तो चोरों की तरह रातों के अंधेरे में डाके नहीं डालता। सुरमा वो होता है जो शत्रु के सामने आकर उसका मुकाबला करे। लेकिन सुरमा हमेशा सुरमाओं से मुकाबला करते हैं। क्या वो सीमा के उस नरेश से मुकाबला करेगा जो सेना के पहरे में राजमहल के अंदर सोता रहता है? तुम अगर उस लुटेरे को इतना बहादुर समझती हो तो वो गारों में अकेले क्यों छुपा रहता है? कायर ना समझो उसे, उसके छुपने में भी भेद है। वो तो साफ जाहिर है, उस लुटेरे से तुम्हें प्यार हो गया है। केवल मुझे ही उससे प्यार नहीं, बल्कि इस धरती का एक एक जीव, एक एक प्राणी, एक एक पशु उसे प्यार करता है। इतना प्यारा लुटेरा है वो? विश्वास नहीं आता तो जाओ भवानी माँ के मंदिर में जाकर अभी देखो। भवानी माँ का मंदिर? हाँ हाँ, अगर एक ही नजर से तुम्हें उससे प्यार न हो जाए तो चंद्रा अपनी जबान काट डालेगी। धन्यवाद चंद्रा, धन्यवाद। अजी, भवानी माँ के मंदिर में इसी वक्त। भवानी माता, जब संसार में पहली बार मैंने आंख खोली तो सोने चांदी के झूले थे, महल थे, संसार का हर सुख हर आराम था। जब बड़ा हुआ तो सर पर ताज था, प्रजा थी, सेना थी। मां, ये सब दिखाकर बुढ़ापे में मुझे लुटेरा ही बनाना था तो ये जीवन ही क्यों न छीन लिया? इतनी लंबी उम्र देने से तो ये अच्छा है कि आजादी की ये घड़ी दे दो। बोल मां, बोल, इस चोरी छिपे के जीवन से कब मेरा निर्वाण होगा? जवाब दे माता, कि उम्र भर में लुटेरा ही रहूंगा। नहीं, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई मां? हाँ, उठो लुटेरे, तुम्हारे जीवन की आखिरी घड़ी आ पहुंची। बालक, इस उम्र में अपनी मौत को ललकार रहे हो? तलवार निकालो। मैं नहीं चाहता कि निहत्ते आदमी पर वार करूं। वार? भूल रहे हो नौजवान, चट्टान पर तलवार मारने से चट्टान नहीं तलवार टूटती है। मैं तुम्हें इतना बोलने का समय भी न देता, लेकिन तुम्हारे जीवन के कुछ दिन और लिखे हैं कि तुम मुझे भवानी माँ के मंदिर में मिले हो, जहां मैं खून की होली खेलना नहीं चाहता। बूढ़े लुटेरे, जितना तुम शब्दों से खेल रहे हो, अगर उतना ही तलवार से खेलते तो शायद तुम्हारी जान बच जाती। अगर अपने बाजू की शक्ति पर इतना भरोसा है तो मैदान में आओ। इनका आंधी को ललकार रहा है, लेकिन याद रखो, इस लुटेरे की तलवार का वार तो एक तरफ रहा, सिर्फ इसकी चमक से ही सुरमाओं की आंखें खुल जाती है। कहो, कोई और अरमान बाकी है? दिल का अरमान तो उस वक्त निकलेगा जब मैं तुम्हारी लाश राज दरबार में पेश करूंगा। मेरी लाश के सपने देख रहे हो मूर्ख बालक? वो तलवार इस संसार में नहीं जो मेरा सिर तन से जुदा करे। किस्मत में तुम्हारा लहू पीना लिखा है। वार अच्छा था, लेकिन पत्थर पर पड़ा। बालक, अब भी राधा बदल लो। बिजली पर हाथ डालने से बिजली नहीं पकड़ी जाती, बल्कि हाथ डालने वाला खुद भस्म होकर रह जाता है। जो बिजलियों के झूलों में पल के जवान हुआ हो, उसे तुम बिजलियों से डराते हो? मैं बनवासी हूं, मेरे इशारों पे बादल गरजते हैं और बिजलियां कड़कड़ाती हैं।
एक अच्छा वार दिखाने से यह ना समझ लेना कि मैं कायरों की तरह भाग निकलूंगा। अब भी अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जीते जी नहीं तो क्या मौत की ठान के आए हो? मर भी गया तो मेरा लहू तुमसे बदला लेगा। मरने के बाद लहू कहां से आएगा? मेरा लहू तुम्हारी तलवार पी सकती है, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारी उम्र का एक और भी सूरमा है जिसकी रगों में मेरा लहू है। जी तुम्हारी पीठ पर त्रिशूल का निशान कैसा? सूरमाओं के बदन पर तलवारों के निशान हुआ करते हैं, ग्रहण के नहीं। लेकिन ये त्रिशूल का निशान तो सिर्फ सीमा राज के राजकुमार की पीठ पर ही हो सकता है। एक वनवासी और राजकुमार, बातें तो यूं करते हो जैसे सीमा के नरेश तुम ही हो। लुटेरे, मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह जानता हूं। बालक, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कोई धोखा नहीं कर रहा हूं। मुझे अपना नाम बता दो। क्या मेरा नाम सुने बगैर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को नहीं छोड़ेगी? अपने आप को जिंदा मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक बार मुझे अपना नाम बता दो, फिर मेरी मौत और जीवन दोनों पर तुम्हारा अधिकार होगा। मेरे नाम की इतनी बड़ी कीमत? तो सुनो, मेरा नाम है अजीत। अजीत, अजीत, इस वक्त तुम्हारे सामने एक लुटेरा नहीं, तुम्हारा अपना पिता है। खामोश, एक लुटेरा मेरा पिता नहीं हो सकता। अजीत बाबा, अजीत बाबा, बाबा मुझे विदाई दो, मैंने लुटेरे नीले पहाड़ को पकड़ लिया है। ठहरो, नहीं जानते तुम किससे उलझ रहे हो। जानता हूं, एक चोर डाकू और लुटेरे से। बको मत, ये लुटेरा नहीं, राजाओं के राजा महाराजा दी राज होगा। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि इसने सीमा राज में लूट मचा रखी है, और एक कर्मचारी होने के नाते इसे पकड़ना मेरा धर्म है, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अजीत, तुम इसे कैसे जानते हो? मैं जब से मेरे सामने आया, मेरे बाजुओं से बल और शस्त्र से शक्ति जाती रही। पुत्र पिता की विजय होता है और पराजय भी, वो जीत है और अजीत भी। जिसके कंधे पर त्रिशूल का निशान है वो मेरे बेटे अजीत के सिवाय दूसरा कोई नहीं। महाराज, महाराज, धन है प्रभु जो आज आपके दर्शन हुए। अजीत, अजीत, इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिता सीमा नरेश महाराज अनूप सिंह है। पिताजी। बेटा, पिताजी। बेटा, मेरे बेटे, मेरे बेटे। पिताजी, मेरे हाथों से ये लहू? नहीं बेटे, तुम्हें देख कर लहू ने जोश मारा, छलक गया। आज मैं धन्य हो गया महाराज, बरसों पहले आपकी अमानत जो मुझे सौंपी गई थी आज आपके अर्पण कर सका। राज की निशानी वो तलवार और अंगूठी मेरे पास है, मेरे तो जीवन का अर्थ पूरा हो गया महाराज। नहीं भैया, तुम्हारे जीवन का अर्थ तो आज से प्रारंभ होता है। तुम एक ऐसे युवक के पालक हो जो सीमा के राज सिंहासन पर बैठने वाला है। आज भवानी माँ ने हमारी सुन ली। भवानी माँ की जय हो। 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 माँ, एक तरफ मेरा वचन है और दूसरी तरफ मेरे पिता, मेरे जन्मदाता। मैं अगर अपना वचन पालन नहीं कर सकता। श्री सीमा दरबार के सेवकों और सैनिकों, आप भली भांति जानते हैं कि आज हम श्री कुमार की छत्र छाया तले किस लिए इकट्ठे हुए हैं। इस दरबार के महासैनिक अजीत ने उस लुटेरे को पकड़ने का बेड़ा उठाया था जिसने इस धरती पर अत्याचार मचा रखा है। उसके वचन को पूरा होने में कुछ पल बाकी रह गए हैं, और अभी तक न उस लुटेरे का पता है न सैनिक। भी थोड़ा समय बाकी है, कौन जाने कि वो अपना वचन पूरा कर दिखाए। अन्नदाता, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। वो लुटेरा कोई पंछी नहीं जिसे अजीत अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेगा। मुझे तो शंका है कि सैनिक अपनी जान बचाने के लिए स्वयं भाग ना निकले। मंत्री, मैदान छोड़कर कायर भागता है, शेरों की संतान नहीं। लो रणमंत्री। हाँ जी, आ गया, लेकिन खाली हाथ। जरा इससे पूछिए कि वो लुटेरा कहाँ है। कहो सैनिक, तुम्हारे वचन का क्या हुआ?
वचन पूरा ना करता तो सर झुका के दरबार में आता। क्या मेरी तनी हुई गर्दन नहीं कह रही कि मैं खाली हाथ नहीं लौटा? लेकिन हमें तो केवल खाली हाथ ही दिखाई दे रहे हो रणमंत्री। कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, कई बातें ऐसी होती हैं जो अनहोनी होकर भी होनी हो जाती हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो चीज आपको दिखाई ना दे उसका कोई वजूद ही नहीं। रणमंत्री आपको यह सुनकर खुशी होगी कि अभी अभी आपके शत्रु लुटेरे के साथ मेरी टक्कर हुई। उम्र के साथ साथ उसकी रगें तो ढीली पड़ चुकी हैं, लेकिन अब भी वो कोई कोई वार ऐसा करता है कि बड़े बड़े सुरमाओं के छक्के छूट जाए। तो क्या तुम हार के आए हो? हार और जीत तो भगवान के हाथ होती है, लेकिन मुकाबला उसने डट कर किया। जवानी और बुढ़ापे में कुछ तो भेद होता है, आखिर विजय जवानी की हुई। तो फिर इस वक्त लुटेरा कहाँ है? हाँ। अपनी गुफा में होगा और कहाँ। तो तुमने उसे बंदी नहीं बनाया? सूरमा सूरमा को बंदी नहीं बनाते, मैंने उसे आजाद कर दिया। आजाद कर दिया है? क्यों? क्या तुमने अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? राजकुमार, उस लुटेरे की शान ही कुछ ऐसी है कि उस पर जिंदगी ने छावर कर देने को जी चाहता है। अच्छा, तो अपनी मौत के लिए तैयार? सैनिक मौत से नहीं डरते, बल्कि मौत का सिरहाना बनाकर उस पर सोते हैं। रणमंत्री, अगर मैं अपने वचन के अनुसार आपकी सेवा में उस लुटेरे से बढ़कर एक अनमोल चीज भेंट करूं तो? लुटेरे की जान से बढ़कर अनमोल चीज और क्या हो सकती है? बड़ा बोल है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। आप उस लुटेरे से इसलिए डरते हैं कि वो बलवान है। आपको यह भी डर है कि किसी दिन वो अपनी बुझाओं के जोर से सीमा राज पर कब्जा ही ना कर ले। राजकुमार, वो लुटेरा राजपाट का भूखा नहीं, ऐसे राजपाट उसने बहुत देखे हैं। बल्कि जिस सिंहासन पर आप विराजमान हैं, वो सिंहासन उस लुटेरे का ही है। क्या तेरा अनूप सिंह है? अनूप सिंह नहीं, सम्राट अनूप सिंह। राजा राजाओं का नाम इज्जत से लेते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, अनूप सिंह मर चुका है। प्रधानमंत्री, मैं भवानी मां की सौगंध खाकर कहता हूं कि सम्राट अनूप सिंह जीवित है। जीवित? और उस वक्त तक जिएंगे जब तक कि वो अपना खोया हुआ मान और छीना हुआ राज सिंहासन वापस न ले लें। यही उनकी प्रतिज्ञा है। देखा जाएगा। पहले ये बताओ कि उनकी जिंदगी से बढ़कर अनमोल चीज क्या लाई? कहां है वो चीज? आपके सामने। क्या आप सम्राट अनूप सिंह के सुपुत्र कुमार अजीत सिंह को नहीं पहचानते? तुम? हाँ। आपको मेरी रगों में सम्राट अनूप सिंह का लहू दौड़ता हुआ नजर नहीं आता? वेस्ट, ये सब झूठ है, झूठ है। इस तलवार को देखिए जिस पर सीमा राज की मोहर है, इस अंगूठी को देखिए जो हमारे कुल की निशानी है। ये तो सम्राट अनूप का निशान है। देशद्रोही, पकड़ लो इसे। राजकुमार, मैं भाग नहीं जाऊंगा। मैंने भवानी मां की सौगंध खाई है, जान की बाजी हार सकता हूं लेकिन वचन नहीं। आप इस वक्त उस सिंहासन पर बैठे हुए हैं जहां मुझे बैठना चाहिए था। आप उस धरती पर राज कर रहे हैं जहां मुझे करना चाहिए था, लेकिन अपने वचन के अनुसार मेरी जान आपके हवाले है। ये लीजिए तलवार, और मैं बंदी घर जाने के लिए तैयार। पूर्णिमा का चांद निकलने से पहले अगर लुटेरा अनूप सिंह स्वयं महाराज के चरणों में उपस्थित न हुआ तो उसके बेटे अजीत को हाथी के पांव तले रौंद दिया जाएगा। जाता रहा राजकुमारी रंजना, अगर अजीत ही ना रहा तो फिर मेरे जीवन में क्या रहेगा? वही तो है मेरा सब कुछ। लेकिन वीर अजीत का क्या दोष है? सच्चाई। उसने अपने वचन का
पालन करते हुए एक सूरमा की तरह भरे दरबार में अपना आप जाहिर कर दिया और आज उस सच्चाई का इनाम मौत चढ़ाया गया। राजकुमारी, किसी तरह अजीत की जान बचानी चाहिए, महाराज से विनती कीजिए। क्या एक भाई अपनी बहन के आंसू की लाज न रखेगा? प्रेम के शत्रुओं से मैं प्रेम की भीख नहीं मांगूंगी। रंजना, नहीं नहीं, ये बहुत कठिन सी बात है। कठिनाइयां ही तो प्रेम का सिंगार होती। चलो मेरे साथ। अजीत को हाथी के पांव तले रौंदा जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, अजीत की हवा को भी कोई नहीं छू सकता। अजीत, ज्वाला। अजीत, ज्वाला, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? स्वयं अपने आप को इन पापियों के हवाले कर दिया। एक क्षत्रिय के सपूत ने वचन दिया था और वचन का पालन कर दिखाया। वचन? वचन मनुष्य को दिया जाता है, पशु को नहीं। चलो मेरे साथ। कायरों की तरह भाग निकलूं यहां से? अजीत! नहीं ज्वाला, मैंने भवानी माँ की सौगंध खाई है, अब इस जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम अपने जीवन को केवल अपने जीवन क्यों समझते हो? क्या इस जीवन में जनता के प्राण नहीं? अजीत, तुम भवानी माँ की सौगंध से मत डरो। ऐसा निष्काम जीवन भवानी माँ भी नहीं छीन सकती। अजीत, चलो यहाँ से। वचन तोड़ने के लिए नहीं दिए जाते ज्वाला। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे अपने वचन का पालन करने दो। अजीत! ज्वाला, मुझे अपने वचन का पालन करने दो। रो क्यों रही हो? देश के सैनिक को आंसुओं से नहीं, मुस्कुराहट से विदा किया जाता है। कौन है जो मेरे जाम को हाथ लगाकर मेरा अपमान कर रहा है? मैं हूं आपकी नील की धारा। आए, नील की धारा? ये क्या मजाक है? छोड़ो मेरा जाम, तुम जानती हो कि मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और महाराज, मैं ये भी जानती हूँ कि इसके पीने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा मत कहो महाराज। लो, इस जाम में से एक घूंट पियो। नहीं नहीं महाराज। आए, हम नहीं सुनने के आदि नहीं हैं। पियो और पिलाओ। हम कहते हैं पियो पियो। ये मदिरा नहीं, विष है महाराज। आए, वैश विष? लेकिन ये जाम तुम्हीं ने तो मुझे दिया था। आए? हाँ महाराज, ये बात मैंने रणमंत्री के कहने से किया था। असंभव है, नील की धारा झूठा दोष लगाने का दंड जानती हो क्या होता है? महाराज, ये झूठ नहीं है, सच है। इधर आइए। जिस रणमंत्री को आप अपना समझते हैं, वो आपकी जान का दुश्मन है। वो तोरामान जैसे विदेशी शत्रु से मिलकर आपके राज्य को हड़प कर जाना चाहता है। वो आपके जीवन का अंत करके आपके राज्य पे हुकूमत करना चाहता है। नील की धारा! महाराज, अगर आपको यकीन नहीं तो बेहोशी का बहाना करके अपने कानों से सब कुछ सुन सकते हैं। नील की धारा! कौन? कौन है? तैयारी करो, इससे पहले कि शत्रु का हाथ मेरे कुलदीपक तक पहुंचे, मैं उस हाथ को ही क्यों न काट डालूं। जाओ। महाराज
हमारे, विजय हमारी होगी। जय भवानी, जय भवानी। जिए या मरे, विजय हमारी होगी। नील की धारा आई मनमंत्री जी। अब ये सारी दुनिया हमारी है नील की धारा। कुमार जहर पीकर सो रहा होगा और अजीत के हाथी के पांव तले रोंदे जाने की खबर जब नीले पहाड़ को मिलेगी तो उसकी चीख बोल जाएगी। और रहे महाराज जसवंत सिंह, उन्हें तोरमा ना लेगा। और तब विक्रम सिंह छत्रपति महाराज अधिराज विक्रम सिंह कहलाएगा। कौन है? रणमंत्री जी। उसकी ये हिम्मत, मैं उसे ऐसा मजा चिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हमले का वक्त जो हमने सोचा था आ गया। बदन, फतेह हमारी है, फतेह हमारी है, जीत हमारी है, जीत हमारी है। युवराज होगा तो अपने घर में, मेरे लिए तो मेरा बेटा है अजीत। युवराज अजीत, युवराज अजीत। हाँ बेटी, काश पिता का पुत्र के लिए प्रेम सब्र भी जानता। चलो साथियों। ज्वाला, मैं करवट करवट तुम्हें याद करता हूं। मेरे दिल की रानी, आखिरी सांस तक तुम्हारा ही नाम होगा मेरी जबान पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दिल की दुनिया में भी मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। ए, तुमने पानी मांगा? क्या कहा, पानी? नहीं, मैं केवल मदिरा पीता हूं। ज्वाला, ज्वाला, मैंने हजारों बार इस जबान से तुम्हारा नाम लिया और हर बार मुझे नई जिंदगी मिली। इससे पहले कि मेरे जीवन की आग हमेशा हमेशा के लिए ठंडी हो जाए, देवी मुझे अपने नाम का जाप कर लेने दो। ए ज्वाला, ए क्या बकबक कर रहा है? डर के मारे। डर? डर का शब्द तुम्हारे कोष में होगा, हमारे में नहीं। हम राजपूत हैं, मौत से मोहब्बत करते हैं, उसे गले लगाते हैं। राजकुमारी, ज्वाला से मोहब्बत नहीं करते। तुम क्या जानो मोहब्बत कैसे कहते हैं? ये वो आग है जिसमें सोना पड़ता है तो कुंदन होकर निकलता है। ये हर एक केस में नहीं आती, ये सिर्फ उन खुश नसीबों को मिलती है जो देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। ये कैसी मोहब्बत है राजकुमारी? ज्वाला के लिए मोहब्बत, मौत के लिए मोहब्बत और देश के लिए मोहब्बत? अरे भाई, तुम तो मोहब्बत को रेवड़ियों की तरह बांट रहे हो। बंद करो, भाई गोविंद राम जी, ये बेचारा मर तो रहा ही है, क्यों ना इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। ठीक है ना? ये लो ज्वाला। ज्वाला, अब तो आंखें हमारी हैं और सपने तुम्हारे। तुमने जो देखा बस खो गए हम, तुम ही बता दो ना क्या हो गए हम। तुमने जो देखा बस खो गए हम, तुम ही बता दो ना क्या हो गए हम। हाँ ज्वाला, मगर तुम कहाँ हो ज्वाला?
किस हाल में हो? मैं तो हूँ पंछी बावरा, तू बाग की है रानी, तू मेरा ही प्यार की और एक है कहानी। मैं तो हूँ पंछी बावरा, तू बाग की है रानी, तू मेरा ही प्यार की और एक है कहानी। तुम तो रानी हो मेरी बगिया की ज्वाला। अरे ये तस्वीर वहां कैसे चली गई? मेरी प्रेमिका की तस्वीर यहां कैसे आई? कमीने कुत्ते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज्वाला तुम्हारी बेटी के बराबर है। रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया। बल क्या बोलता है? वीरा जी, मैं गोविंद हूँ। गोविंद? गोविंद, तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? वीरा जी, इससे पहले कि कोई तुम पर हाथ उठाए, हम दुश्मन के खून की नदियां बहा देंगे। संभालना। सैनिक ये सब क्या है? किसी आदमी को हाथी के पांव तले रौंदे जाते हुए देखने के सिवा अब और ऐश की कोई बात नहीं। हमारे होने वाले सम्राट को मालूम नहीं, हालात बहुत खतरनाक हैं। क्या अब एक ही तरकीब है? वो क्या? ठीक कहा, शाबाश। अब हमारे किसी आदमी के खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। महाराज धीराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो राज दरबार का एक कर्मचारी हूं। जिसका नमक खाया है उसी के धर्म का पालन किया है प्रभु। उठो विक्रम सिंह, तुमने जो कुछ किया ठीक ही किया, उठो। महाराज अधिराज, रणमंत्री ने राजकुमार को बार बार समझाया परंतु राजकुमार ने एक ना सुनी। राजकुमार अभी नादान है, एक न एक दिन भगवान उसकी आंखें खोल देंगे। मैं नहीं जानता था महाराज कि आप इतने महान हैं। मैंने उस शराबी विवचारी की सेवा की है जिसने आपकी प्रजा का धन लूटा, रूप लूटा। कुछ भी हो विक्रम सिंह, अनूप सिंह के पास घृणा की कटार नहीं, प्रेम की तलवार है, जो प्यार बढ़ाती है पर लहू नहीं बहाती। ये तागा है प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। धन्य है महाराज, धन्य है। हम धन्य उस वक्त होंगे विक्रम सिंह जब हमें हमारा अजीत मिल जाएगा। कहां है अजीत? राजकुमार अजीत सुरक्षित है महाराज और आपकी राह देख रहे हैं। मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने अपनी बातों से आपको रोके रखा। आइए पधारिए। सावधान महाराज, कौन जाने रण मंत्री के मन में कपट हो। हो सकता है, परंतु क्षत्रिय वीर एक बार किसी को क्षमा कर देने के बाद उससे विश्वासघातक नहीं समझता। साथियों, हम आपसे लड़ने नहीं गले मिलने आए हैं। साथियों, विक्रम सिंह। महाराज, अजीत कहां है? सैनिको, कसम मुझके महाराज की, ये रहे कुमार अजीत। अजीत, पिताजी, पिताजी। चिंता ना करो बेटा, ये भवानी मां की इच्छा है कि जब कभी बाप और बेटे का मिलन हो तो वो तलवारों की छांव में हो। करो ताज की रस्म अदा, बनाओ इसको महाराजा धीराज। पिताजी, महाराज धीराज की जय। बुजदिल कमीने, तुम्हारी रगों में जरूर किसी नीच घराने का खून है वरना तुम मेरी जान लेते।
एक बेटे के सामने उसके बूढ़े बाप की हानि न करते। ये कुटल शास्त्र है, बाप बेटे को मरता देखे बेटा बाप को तड़पता है। नीले पहाड़ गीदड़ की धार, बेटे की लाश तो बहुतों ने देखी होगी और आंखों के सामने उसे तिल तिल करते हुए किसी ने ना देखा होगा। हाँ विक्रम, सत्य के राज में तो पुत्र ही पिता को मरते हुए देखता है, परंतु बाप की नगरी में पिता को ही अपने जवान पुत्र को जाते हुए देखना पड़ता है। तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, बेटे को मरते हुए देख सकोगे? हाँ, इसलिए किसके लहू की एक एक बूंद से लाख लाख जीत पैदा होंगे। राजपूत की शान को मौत सके न जीत, पैदा एक एक बूंद से होंगे लाख जीत। ऐसा है तो फिर तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि मुझे अपने सपूत की बलि देना पड़ रही है। मेरी आंख में आंसू इसलिए है कि भारत की धरती तुझ जैसे कपूत को भी जन्म सकती है। ऐसे कपूत के हाथ तुम कल देखना, कल वो बड़ा दिन होगा जो सदियों से सीमा नगर में नहीं बनाया गया। नगर निवासी शेर और पिल्ले को हाथी के पांव तले दला जाता हुआ देखेंगे। ठीक राम मंत्री जी, राम मंत्री जी, राम मंत्री जी। प्रजा हमारा साथ छोड़ गई, सेना मुंह मोड़ गई और वो सब मिलकर लुटेरे के साथियों में शामिल हो गए हैं। क्या कहा? जी हाँ राम मंत्री जी, वो महल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके सामने किले के दरवाजे और दीवारें इस तरह उठ रही हैं जैसे आंधी के सामने सूखे पत्ते। ये बात है, सैनिक तुम अभी अपना काम समाप्त करो। जो आ गया राम मंत्री जी, जरा सोचिए तो, कहीं इनका काम समाप्त करते करते हमारा काम ना समाप्त हो जाए। ये तुम कह रहे हो, तुमने हमारा बरसों नमक खाया है। अगर तुम इस महाराजा अधिराज के बहादुर बेटे को पिंजरे में नहीं बंद कर सकते हो तो हम खुद किए देते हैं। रण मंत्री जी, मेरे होते हुए आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है, मैं बंद कर देता हूं। शाबाश। सिंह आए तो भी यही हुक्म है। महाराज जसवंत सिंह तो क्या, अगर भगवान भी आए तो यही हुक्म है। महाराज अब मैं हूं, जसवंत नहीं, वो तो मूर्ख है, कायर है। मुझे नहीं मालूम था कि तेरा खून इतना नीच, सांप को लाख दूध पिलाओ सांप ही रहता है। क्या राजकुमार, we'll be right back.
पर राजकुमार, तुम भी मेरे बेटे हो। अजीत राजकुमार, बोलो राजकुमार। अजीत ज्वाला को बचा लो। ज्वाला आइए राजकुमार। भूल पर चढ़ाओ, आज वीर विक्रम के राज तिलक का दिन है। कौन है जो हमारे राजतिलक की बधाई दे रहा है? वीर विक्रम, मैं हूं वनराज की बेटी चंद्रा, आपके राजतिलक की खुशी मनाने आई हूं। वन देवी, वन देवी, बहुत अच्छे। तुम अकेली आई हो? नहीं महाराज, कुछ और भी लाई हूं, बंदी चमकी को। पशु? ऐसे शुभ अवसर पर पशु का क्या काम? महाराज, चमकी अपने नौकीले पंजे से आपको शरीर पर मालिश करेगी। आप जैसे सुरमा का लघु, चमकी का मनभाता भोजन है। नहीं नहीं चंद्रा, आज बड़ी धूमधाम से आपका राज तिलक होगा। आपके अपने ही लघु से आपके माथे पर तिलक लगाया जाएगा। चमकी आगे बढ़ो। वीर विक्रम की जान लेने का सिर एक पशु के सर पर क्यों बंधे? मुखिया वीर विक्रम, आखिर आप प्रधानमंत्री हैं, आपके लहू से एक सूरमा की तलवार की प्यास बुझनी चाहिए। अजीत घबरा क्यों रहे प्रधानमंत्री? सूरमा हूं, निहत्ते पर वार नहीं करूंगा। अगर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करोगी तो मेरी तरह तुम भी इस आग में चलती रहोगी। नीच, पापी, ऐसा करने से तुम्हारी आशा कभी पूरी ना हो सकेगी। बहुत कम शिकार होंगे जो आप ही चलकर। जय हो, तुम्हारा शत्रु जसवंत हमारे कब्जे में। क्या कहा? उन सरदारों से अभी छोड़ दो। कुछ भी है, जसवंत हमारा भाई है, नाखून मांस से जुदा नहीं हो सकता, उसे छोड़ दो। छोड़ दूं उस जलील को? अनूप सिंह, फतेह की इस शानदार घा। उन सरदार, ये भारत देश है, तुम विदेशी इसकी राजनीति को नहीं समझ सकते। हम आपस में चाहे कैसे भी हों, परंतु जब कोई बाहर का आता है तो हम एक हो जाते हैं, और फिर सोना उगलती हुई धरती की तरफ कोई आंख भी नहीं उठा सकता। आफरीन, सदा आफरीन इस मुल्क को जिसकी सरजमीन अनूप सिंह जैसे बहादुर पैदा करती है। अनूप सिंह हम सरदार आखिरी बात में सजदा करता है।